हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटेड समारी। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे ये बेबी शूज़, जो कि न्यू बॉर्न से लेकर 6 महीने तक के बच्चे के लिए काफ़ी हैं साइज़। बट जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि बच्चे की हेल्थ के हिसाब से भी होता है, तो थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो ये जो मैंने दो कलर्स में शूज़ बनाए हैं, आप एक कलर में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो कलर लिए हैं, आप चाहें तो इसको एक कलर में भी बना सकते हैं। यही पैटर्न फॉलो करिएगा आप ये बूटीज़ बनाने के लिए, किसी भी साइज़ के लिए। जस्ट फंदे कम ज़्यादा होंगे, कलर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप दो ले लें, तीन ले लें, स्ट्राइप डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, नो प्रॉब्लम। चीज़ें जो चाहिए हमें, निटिंग नीडल्स चाहिए, सिंगल पॉइंटेड नीडल काफ़ी है। इट्स नॉट नेसेसरी टू हैव डबल पॉइंटेड नीडल, यू कैन यूज़ स्ट्रेट नीडल्स एज वेल। तो ये जो सिलाइयाँ हैं वो हैं 9 या 10 नंबर की सिलाई है, जैसे कि कंपनी में डिफरेंस आता है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी मोटी सिलाइयाँ नहीं हैं, 9 या 10 नंबर की सिलाई काफ़ी होगी आपके लिए। कलर आप जो भी चूज़ करें, दो कलर मैंने लिए हैं। टेपेस्ट्री नीडल आपको चाहिए सीने के लिए, सुई, कैंची चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए नापने के लिए। अच्छा, दूसरी बात, आपके पास किसी भी साइज़ की ऊन हो, किसी भी साइज़ का की सिलाइयाँ हो, आपने जिस नाप को फॉलो करना है, जो कि नाप मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि होता है कि किसी के पास सेम साइज़ की सिलाइयाँ और ऊन नहीं होती है, तो जो है वो बुनते ही नहीं हैं। लेकिन आप बुनिएगा ज़रूर, जस्ट मैं आपको नाप बताऊंगी, तो आप उस नाप को फॉलो कीजिएगा कि विड्थ कितनी है, लेंथ कितनी है, जैसे कि मैं अपनी सारी वीडियोज़ में बताती हूँ, उससे आपको हेल्प होगी। सबसे पहले इस साइज़ के लिए, जो कि न्यू बॉर्न से लेकर 6 मंथ तक है, 6 मंथ, वी विल कास्ट ऑन 46 स्टिचेस। ठीक है, 46 फंदे हम कास्ट ऑन करेंगे। कास्ट ऑन के लिए आप कोई भी कास्ट ऑन मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ एनी कास्ट ऑन मेथड यू नो, और इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस कास्ट ऑन मेथड, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप ये वाला मेथड फॉलो करना चाहते हैं कास्ट ऑन के लिए, कास्ट ऑन मतलब फंदे डालना सिलाई पे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दैट हाउ टू कास्ट ऑन स्टिचेस बाय क्लीप निट्स, आप सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम फंदे कास्ट ऑन करेंगे 46 स्टिचेस। फंदे कास्ट ऑन कर लेंगे किसी भी मेथड से, 40 और 6। यहाँ पे हम कास्ट ऑन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसका जो नेक्स्ट स्टेप है मैं वो आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 46 स्टिचेस फंदे कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब पहली सिलाई को गौर से देखिएगा, क्योंकि हमने यही अब रिपीट करनी है। फर्स्ट रो है ये गार्टर स्टिच, बस आपने, जिसको नहीं आता वो गौर से देखिएगा, गार्टर स्टिच में हम सारी सिलाइयाँ सीधी बुनते हैं। बट अभी इसमें ये होगा कि पहला फंदा आप स्लिप करेंगे और आखिरी फंदा आपने उल्टा बुनना है। तो रो वन, पहली सिलाई, स्लिप वन, निट ऑल टू द लास्ट स्टिच। पहला फंदा स्लिप किया और अब सारे फंदे हम आखिरी फंदे तक सीधे बुनेंगे। ये रो में स्किप नहीं कर रही, आई एम नॉट स्किपिंग दिस रो, बिकॉज यू हैव टू रिपीट दिस रो फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर दीज शूज़। मैं ये रो स्किप नहीं कर रही सिलाई, ताकि आप लोगों को हेल्प हो, क्योंकि यही आपने सिलाई अब रिपीट करते जाना है। सब फंदे सीधे बुनेंगे, निट स्टिच मतलब सीधा फंदा, पर्ल स्टिच मतलब उल्टा फंदा। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको इनके इंग्लिश में जो नाम है वो एक्सप्लेन करूं, ताकि आप लोगों को पैटर्न पढ़ने में भी आसानी हो। यहाँ पे हम ये सिलाई कंप्लीट करने वाले हैं। अब आखिरी फंदा आप गौर से देखिएगा, क्योंकि हमने वो उल्टा बुनना है, 8 स्टिच, क्योंकि नीट
साइड के लिए। यहाँ पे हमने आखिरी फंदे तक सारे फंदे सीधे बुने हैं। रो वन हमने क्या किया, स्लिप वन स्टिच निट वाइज, निट ऑल स्टिच टू द लास्ट स्टिच एंड पर्ल दिस वन। पहला फंदा स्लिप किया, उसके बाद सारे फंदे सीधे बुने और उसके बाद धागा आगे करके आखिरी फंदे को उल्टा बुनेंगे ताकि ये जो साइड्स हैं वो नीट बने, जिसको आप चेन भी कहते हैं कि चेन वाला शेप आए उसमें, सिंपल लैंग्वेज में ताकि आपको समझ में आए। अब आपने क्या करना है, रिपीट दिस रो फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ। अगर आपके पास ये सिलाइयाँ हैं तो आप 12 ये जो गार्टर स्टिच की रिजेज हैं उतनी आपको चाहिए। अगर आपके पास सेम निडल की सिलाइयाँ नहीं हैं देन यू हैव टू फॉलो मेजरमेंट्स इफ़ यू डोंट हैव सेम नंबर निडल्स। अब उसको आपने सिलाइयों को फिर फॉलो नहीं करना, आपने फॉलो करना है नाप को जो कि मैं आपको बताऊंगी। तो आप यही रो, रिपीट दिस रो, रिपीट रो वन फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ, देन वी विल डू नेक्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद आगे वाला हम इसका स्टेप करेंगे। यहाँ पे मैंने पहली सिलाई रिपीट करके सारा बुन लिया है। आप देख सकते हैं कि जो हम फंदा स्लिप कर रहे थे यहाँ से, पहला फंदा स्लिप और आखिरी फंदा उल्टा, फिर रिपीट कर रहे थे एक ही सिलाई को, पहला स्लिप आखिरी उल्टा, पहला फंदा स्लिप आखिरी फंदा उल्टा, ठीक है, दोनों साइड से राइट एंड रॉन्ग बोथ। उसके बाद अब हमारे पास यहाँ पे अगर आपके पास सेम सिलाइयाँ हैं तो ये राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है, तो राइट साइड से हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 रिजेज हैं हमारे पास राइट साइड से, हमने काउंट किया है इसे, ठीक है, 12 रिजेज। अब नाप के हम देखेंगे कि हमारे पास नाप क्या है, क्योंकि अगर आपके पास सेम निडल्स नहीं हैं तो आप क्या करेंगे, अगर आप निडल के ऊपर से नाप रहे हैं तो 2.2 तक, ठीक है, यान तक, इंचेस, सेंटीमीटर में देखते हैं, अगर आप निडल के ऊपर से नाप रहे हैं तो 6 तक, 6 सेंटीमीटर तक, ठीक है, इतनी आपकी लेंथ होनी चाहिए। और अगर आप बड़ा जूता बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा और बुन लें, और अगर बच्चा आपके पास अवेलेबल है तो आप नाप के भी देख सकते हैं। अब मैं थोड़ा विड्थ भी आपको नाप के दिखाती हूँ ताकि आपको आसानी हो, 8.2, ठीक है, यहाँ तक, सही है, 21 सेंटीमीटर, अब आपको पता चल गया कि आपको लेंथ और विड्थ कितनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास सेम निडल्स नहीं है तो फिर आप लेंथ को फॉलो कर लीजिएगा। आप थोड़े से फंदे बुन के देखिएगा कि आपको क्या विड्थ मिल रही है और लेंथ मिल रही है, तो आप फिर खोल के अपने हिसाब से कास्ट ऑन कर सकते हैं या थोड़े फंदे कास्ट ऑन करके गाज भी बना सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट रो रॉन्ग साइड यहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट रो पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे निट एंड बाइंड ऑफ अच्छा बाइंड ऑफ भी आप कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाइंड ऑफ 8 स्टिचेस, ये मेथड बाइंड ऑफ का मैंने सिखाया हुआ है सेपरेटली भी। आप दो फंदों को साथ में बुनेंगे और उसके बाद फिर फंदे को वापस रखेंगे लेफ्ट हैंड निडल पे और फिर से दो फंदों को साथ में बुनेंगे। बट अगर आपको सिंपल मेथड भी आता है बाइंड ऑफ का तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसी तरह बाइंड ऑफ करेंगे 8 स्टिचेस,
आप काउंट भी कर सकते हैं यहाँ से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और आप ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास 46 थे तो उसमें से 8 गए तो 38 बचेंगे। इस तरह भी आप कर सकते हैं। आप काउंट करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 38। एक और दफ़ा बाइंड ऑफ, ठीक है, निट एंड बाइंड ऑफ किया 8 स्टिचेस। नाउ निट टू द लास्ट स्टिच और टू द एंड। सारे फंदे अब सीधे सीधे बुन लेंगे। मैं कोशिश करके ये रो भी नहीं स्किप कर रही ताकि आप लोगों को हेल्प हो। सब 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 फंदे जो भी बचेंगे सीधे। और अगर आप बड़ी साइज़ बुन रहे हैं तो आप देखेंगे एक जूता बना के कि आपने कितने बंद करने हैं, आपको कितनी, आप नाप के भी देख सकते हैं कि ये पैर है फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड डॉल पे ही आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये पैर है, अगर आप बड़ी साइज़ बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि भाई ये इतना शूज़ है तो हमें, इतना पैर है तो हमें कितने फंदे बंद करने होंगे, आप नाप के भी देख सकते हैं। ये आप लोगों की आसानी के लिए, बट अगर आप यही साइज़ बना रहे हैं तो आप 8 फंदे बंद करेंगे। मैं कोशिश करके आपको नाप के भी दिखाऊंगी कि हमने साइडों से कितना बंद किया है, कितने इंचेस या सेंटीमीटर, वो भी हम देख लेंगे। अभी हम ये बंद कर लेते हैं, निट ऑल स्टिचेस, बाइंड ऑफ 8, निट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। इस तरफ से सारे फंदे बंद कर दिए, सारे फंदे सीधे बुने। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ से भी 8 फंदे निट एंड बाइंड ऑफ। यू कैन यूज एनी मेथड ऑफ बाइंडिंग ऑफ स्टिचेस, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। अगर ये वाला यूज़ करना है तो इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और यू कैन सर्च हाउ टू बाइंड ऑफ स्टिचेस बाय क्लीड नेट, सारे लिंक निकल आएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, 2 फंदों को साथ बुना थ्रू बैक लूप, पुट द स्टिच बैक टू द लेफ्ट हैंड नीडल, अगेन निट देम टुगेदर, कीप डूइंग दिस टिल वी बाइंड ऑफ 8 स्टिचेस। जब तक हम 8 फंदे नहीं बाइंड ऑफ कर लेते, बंद नहीं कर लेते, हम इसी तरह करते जाएंगे। तो अब हमारे पास 30 फंदे होने चाहिए। हमने 8 इधर से बंद करी, 8 इधर से बंद करेंगे तो 46 में से कितने बचेंगे, 30, हम गिन लेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। एक और ठीक है। अब हम इसे क्या करते हैं, नाप के देखते हैं कि हमने साइड से कितने बंद किए हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, साइड से हमने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बंद किया है, 1.5 इंच तक। ठीक है, अब ये आप पे है कि आप इससे बड़ा अगर बनाना चाह रहे हैं तो बड़ा रखेंगे, और दूसरी साइज़ के नीडल्स है तो भी इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि आपने कितने फंदे, हो सकता है कि आप थोड़े बंद करें तो आपको मिल जाए या ज़्यादा बंद करने पड़े। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा, दूसरा कलर ऐड करेंगे। ये आप बेशक काट दें, आप यहाँ पे आप उतना धागा काटेंगे जितना वेविन में आपको हेल्प हो जाए। अगर आप सेम कलर यूज कर रहे हैं तो आपको धागा काटने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। कलर भी
आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। राइट साइड कलर भी ज्वाइन करेंगे हमने, यहाँ से फंदे बंद किए 8, आखिर तक सीधा बुना, उसके बाद नेक्स्ट रो निट एंड बाइंड ऑफ 8 स्टिचेस, देन ज्वाइन कलर बी ज्वाइन करेंगे। सिंपल तरीका है कलर ज्वाइन करने के लिए, धागे को इस तरह पकड़ के आपने इस तरह बुनना है। अब आप कहेंगे ये वाला लूज है, तो डेफिनेटली आपने इसको खींचना है थोड़ा सा, पुल दिस यार्न टू मेक इट टाइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो टेल वाले धागे हैं, सॉरी ये दो, वो हम इस तरफ कर देंगे ताकि वो फिक्स हो जाएं थोड़ा सा। अब नेट ऑल स्टिचेस, सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेंगे। 30 स्टिचेस हमारे पास बचे थे, आप देखेंगे कि आपके पास कितने हैं, जितने भी हों आपने सब फंदे सीधे बुनने हैं। रो 1 भी आप इसे कह सकते हैं विथ कलर बी, दूसरे कलर के साथ। सारे फंदे हमने सीधे बुन लिए, अब आखिरी फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। वो क्यों? क्योंकि हमने इस तरह से नीट इसकी एजेस बनानी है, साइड्स बनानी है चेन के लिए। ये फंदा क्यों बुना हमने? क्योंकि हमें पिंक कलर चाहिए या फिर दूसरा कलर, इसलिए। बट आगे हमने ये स्लिप करना है, फर्स्ट स्लिप लास्ट पर्ल, रो 2 रिटर्न रो विथ पिंक कलर, स्लिप 1 निट ऑल स्टिचेस। बस आपने ये दिमाग में रखना है कि हमने ये वाला फंदा इसलिए नहीं स्लिप किया क्योंकि हमने कलर ज्वाइन किया है यहाँ पे। अगर आप सेम यूज़ करते तो वो तो हमने बुना ही था, क्योंकि हमने बीच में से ये शुरू किया है। बट मैं आपको दिखाऊंगी कि नेक्स्ट रो से इसको हमने स्लिप करना है। रिटर्न रो निट ऑल स्टिचेस, दो सिलाइयां बुनने के बाद हम होल्स बनाएंगे फॉर कॉर्ड लास्ट पर्ल। अच्छा, ये थोड़ा सा लूज है तो इसको हम क्या करेंगे, पुल टाइटली ताकि टाइट हो जाए थोड़ा सा। अब दो सिलाइयां हमने बुन ली आफ्टर निटिंग 2 रोज विथ कलर बी, हम यहाँ पे होल्स बनाएंगे, विल मेक होल्स। स्लिप 1 यार्न ओवर निट 2 टुगेदर, दो फंदों को साथ बुनेंगे। थोड़ा सा ये अगर टाइट हो तो आपने इस तरह से ऊपर कर लेना है। समटाइम्स किसी की निटिंग बुनाई टाइट होती है, जैसे कि मेरी है, तो आपने इस तरह उसको ऊपर कर सकते हैं। और कभी कभी निडल का भी होता है, सिलाइयों का भी। फिर से यार्न ओवर निट 2 टुगेदर, यार्न ओवर निट 2 टुगेदर टू द लास्ट स्टिच। इसी तरह हमने इसको होल बनाते जाना है यहाँ पे। धागा लपेटा फिर निट 2 टुगेदर, धागा लपेटा निट 2 टुगेदर, यार्न ओवर निट 2 टुगेदर। निट 2 टुगेदर मतलब दो फंदों का एक करना,
यहाँ पे मैंने सारे फंदे इसी तरह बुने हैं। पहला फंदा स्लिप किया, यार्न ओवर निट टू टुगेदर, यार्न ओवर निट टू टुगेदर करके, यार्न ओवर निट टू टुगेदर। अब जो लास्ट फंदा है धागा आगे करके बस उसे उल्टा बुनेंगे, वहाँ पे हमने यार्न ओवर नहीं करना, ठीक है। पहला स्लिप, आखिरी पर्ल, बीच में यार्न ओवर निट टू टुगेदर, सारे फंदे हमने इसी तरह बुन लिए। अगर आपने डोरी डालनी है तो उसके लिए अब रिटर्न रो, स्लिप वन, निट ऑल। जो फंदा हमने यार्न ओवर किया है उसे यूं बुनेंगे ताकि होल बने, ठीक है। होल बनाएंगे क्योंकि हमने डोरी डालनी है इधर, ये ऑप्शनल है। इफ़ यू वांट टू पुट अ कॉर्ड यू कैन मेक होल, अदरवाइज यू कैन जस्ट कीप निटिंग इफ़ यू डोंट वांट टू पुट कॉर्ड। बट होता यूँ है कि डोरी डालते हैं आपको वो हेल्प होती है, अगर बच्चे का शू थोड़ा बड़ा है तो वो गिरता नहीं है अगर आप टाई कर दें तो। और डोरी डालने के आपको पता है कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं बनाने के, आप बुन भी सकते हैं, क्रोशिया भी कर सकते हैं, कॉर्ड को एज यू लाइक। आप रिबन की भी डोरी डाल सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। नाउ कीप रिपीटिंग दिस रो, सेम रो, नाउ कीप रिपीटिंग सेम रो, स्लिप वन, निट ऑल, पर्ल लास्ट, देन स्लिप वन, निट ऑल, पर्ल लास्ट। कीप रिपीटिंग दिस रो फॉर योर डिज़ायर्ड लेंथ फॉर कफ। कितना भी आपको चाहिए ये ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पे, ये जो हमने बनाया है, कितना भी बड़ा चाहिए वो आप अपनी मर्जी से बनाएंगे। मैं बना के फिर आपको बताती हूँ कि मैंने कितना बनाया। नाप के आई विल शो यू मेजरमेंट्स, नाप के दिखाऊंगी कि मैंने कितना बनाया है। तो हम अभी इसको बुन लेते हैं, देन आई विल शो यू। यहाँ पे मैंने ये वाला बॉर्डर भी बुन के कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको नाप के दिखाऊंगी कि हमारे पास कितनी लेंथ है इसकी, इंचेस में 1 इंच तक है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप कोई भी नीडल यूज कर रहे हो तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। 14, 14 सेंटीमीटर, 5.5 इंचेस फॉर कफ पार्ट, ऊपर वाले हिस्से के लिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो गार्टर स्टिच की रिजेस हैं वो इसको मिला के यहाँ से काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 रिजेस हैं। लेंथ भी आपको पता चल गई, विड्थ भी आपको पता चल गई। अब हमने क्या करना है, निट एंड बाइंड ऑफ करना है, सारे फंदे बुन के बंद करते जाएंगे। निट एंड बाइंड ऑफ, सिंपल निट एंड बाइंड ऑफ, और एनी मेथड यू नो, आपको जो भी तरीका आता हो बाइंड ऑफ करने का, आप उसी तरह बाइंड ऑफ करके सारे घरों को बंद कर लेंगे। निट एंड बाइंड ऑफ, सीधा बुना और बंद कर दिया फ्रॉम राइट साइड, सही है। ये इसकी रॉन्ग साइड है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये धागे नज़र आ रहे हैं, तो हमने राइट साइड से बंद कर रहे हैं इसे, विथ एनी मेथड यू नो। तो हम ये सारे बंद कर देते हैं। यहाँ पे ये आखिरी फंदा है, इसे भी हम सीधा बुनकर बंद करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो आखिरी फंदा बचा है ये वाला, धागे को सिक्योर करके काट लेंगे। काटेंगे उतना धागा के यहाँ तक सीने के काम आ जाए, क्योंकि दो कलर हैं तो हम ये वाली साइड को बंद करने के लिए ग्रे यूज़ करेंगे और पिंक वाले के साथ पिंक। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपने
पिंक को पिंक से बंद करना है और ग्रे को ग्रे से बंद करना है। तो अभी हम इसको सीएंगे और मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्किप ना करूँ। आई विल शो यू। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा धागा लेंगे ग्रे कलर का या जो भी आपने कलर यूज़ किया हुआ है, और टेपेस्ट्री निडल में डाल लेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको यूं पकड़ के देखना है कि मिड पॉइंट कहाँ पे आ रही है। यहाँ से हमने सिंपली एक दो तीन चार पाँच, फंदों को फंदों के बीच में से धागा गुजारा और इस धागे को हमने उल्टी साइड पे रॉन्ग साइड पे नॉट लगाना है ताकि हम वेव इन उसको रॉन्ग साइड पे कर सकें। टाइटली पुल, वो इसलिए कि शेप आए थोड़ा सा यहाँ पे राउंड में। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। अच्छा, और एक बात, आपको सीने के लिए भी जो भी मेथड आता है यू कैन यूज़, आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं इनको सीने के लिए। अभी फ़िलहाल आप ये जो चेन देख रहे हैं, ये जो चेन आप देख रहे हैं, वहाँ से हम एक फंदा यहाँ से लेंगे और एक यहाँ से। चेन का जो बाहर वाला हिस्सा है वहाँ से आप धागे को गुजारेंगे और इस तरह से आप बंद करते जाएंगे। हम ये और थोड़ा थोड़ा करके आपने खींचते जाना है ताकि धागा कहीं पे अटके ना। हम ये इस तरह से यहाँ तक बंद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये साइड पूरी बंद कर दी है। आप थोड़ा सा हाथ से इसे शेप दे देंगे, ठीक है। और ये जो धागा बचा था वो हम बाद में वेव इन करेंगे अंदर की तरफ ऑन बैक साइड। रॉन्ग साइड पे हम वेव इन करेंगे बैक साइड पे। अभी हम क्या करेंगे, ये जो कफ वाला पार्ट है हम इसको सीएंगे उसी तरह सीएंगे जैसे हमने यहाँ पे ये वाला पार्ट सिया। और यहाँ आपको और कोई मेथड आता है तो यू कैन यूज़। हम पहले यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे धागे को, फिर आप यहाँ पे जहाँ पे चेन देख रहे हैं यहाँ पे एक यहाँ से धागा लेंगे
जैसे यहाँ पे हमने किया सेम वैसे, और एक यहाँ से बाहर साइड वाला चेन वाला धागा ऑन रॉन्ग साइड आउटसाइड। ये जो वी शेप आपको दिख रहे हैं, वी शेप, उसका जो ये बाहर वाला है लेग वहां से, इसी तरह आपने मिलाते जाना है, थोड़ा थोड़ा करके स्लोली खींचना है, ज्यादा टाइटली नहीं खींचना। और आपको और कोई भी मेथड आता है तो आप मिला सकते हैं। समटाइम्स ये होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं वो कहते हैं कि यार ये डिफ़िकल्ट रहने दो, बट आपको कोई भी आता है यू कैन यूज़, थोड़ा सा करके आपने खींच देना है, खींच लेना है इसे। अब यहाँ पे हम इसको भी अंदर की तरफ इस तरफ डाल के और अंदर की तरफ वेव इन करेंगे ऑन बैक साइड। सही है, ये बाद में कर लीजिएगा। अभी हम इसके लिए डोरी बनाएंगे। अगर डोरी बनाना आप डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ तक हमारी जो बूटीज़ हैं वो तैयार हो गई हैं। अब इसके बाद ये आप पे ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है कि आपने इधर क्या डालना है। सिंपल डोरी डालनी है, क्रोशिया निटेड चेन डालनी है, क्रोशिया चेन डालनी है, या सिर्फ रिबन डालनी है, वो आपकी चॉइस पे है। तो हम इसमें यहाँ पे इस तरह की चेन डालेंगे जो कि दो धागों से मैंने बुनी है, आप एक से भी बुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हाउ टू निट निट चेन और क्रोशा चेन और जो भी है सिंगल वन स्टिच डबल स्टिच एवरीथिंग। ये मैंने वन स्टिच बुनी है बट दो धागों से, ठीक है। तो अब इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम ये वाली डोरी इसमें डालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने चेन बनाई हुई है ये वाली, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने क्रोशिया की है बट आप बुनाई से भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया ये बिल्कुल सेम इसी तरह से, ठीक है। तो हम पहले इसको इसमें डाल लेंगे। आप टेपेस्ट्री निडल से भी डाल सकते हैं, आप हाथ से भी डाल सकते हैं ये इस तरह करके। और अगर आपके पास टेपेस्ट्री निडल है तो आप उससे भी डाल लें, डेफिनेटली आपके पास होगी टेपेस्ट्री निडल। ये वाली जो कि जिसे यार्न निडल भी कहते हैं, इसमें से आसानी से यार निकल आती है, धागा निकल आता है, ठीक है। अब हम इसमें से यूं गुजारते जाएंगे ये जो हमने यहाँ पे होल्स बनाए हैं। ये इस तरह से ये टोटली ऑप्शनल है आपके लिए, आप जस्ट रिबन भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छी लगती है। ठीक है, अब इनको खींच के बराबर कर लेंगे। बराबर कर लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा जो धागा है वो काट देंगे। ये देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कितना है, सही है। ये हमारे यहाँ पे बूटीज रेडी हो गए हैं और अभी हम इसको पहनाएंगे डॉल को।
यहाँ पे मैंने ये डॉल को पहना के देखे हैं शूज़, आप बेबी पे पहना के ट्राई कर लीजिएगा कि किस तरह लगते हैं। ये फुल साइज़ वैसे भी डॉल है, एंड इसका पैर भी बड़ा है, और बच्चे के पैर तो छोटे से और नाजुक होते हैं। आप ये बूटी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। दूसरा कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड एक और बात अनाउंसमेंट करनी थी कि मैंने एक सेपरेट चैनल बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो वाला चैनल सिर्फ स्टिच पैटर्न्स के लिए है, स्वेटर डिज़ाइंस के लिए है वो, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो, जो भी स्वेटर डिज़ाइन में उस पर अपलोड करूँ वो आपको रिसीव हो जाए। और आप अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको रिसीव नहीं होगी, नोटिफिकेशन ऑन नहीं होगी, तो आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल ज़रूर दबाया करें ताकि आपको वीडियोस रिसीव हो जाए। कोई और अगर आपने रिक्वेस्ट करनी हो, कोई चीज़ बनाना सीखनी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।